गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी टॉपिक ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। ये क्या कहना चाहता है कि कोई भी फ्यूल जलता है तो उससे हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस बर्न करता है वो किसकी प्रेजेंस में करता है, ऑक्सीजन के बर्न में, और वो कौन सी गैस रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार क्या हो जाती है कि कई बार इनकम्प्लीट कंबशन, मतलब क्या है कि कोई भी सब्सटेंस कंप्लीटली कंबशन नहीं है, जलता नहीं है, बर्न नहीं करता, तो वो क्या है, कुछ अनबर्न पार्टिकल, बिने जले हुए पार्टिकल को रिलीज कर देता है, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कार्बन फ्यूल कौन कौन से होते हैं, फ्यूल वुड, लकड़ी, कोल और पेट्रोलियम। ये क्या है, कुछ अनबर्न कार्बन पार्टिकल को रिलीज करते हैं। जैसे क्या है, कुछ कंप्लीटली जलते नहीं है, कुछ पार्टिकल कंप्लीटली नहीं जलते, तो वो क्या करते हैं, डेंजरस गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है, सांस की प्रॉब्लम, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि कई बार क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। कई बार क्या है, जो हम घर में फ्यूल जलाते हैं, ठीक है, तो उस वो कंप्लीटली बर्न नहीं करते। ठीक है, तो उससे ये भी बहुत, वो क्या, कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस होती है। और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक कब होती है, जब हम कोयल को अंदर क्लोज बंद कमरे में अगर जब कोयल को जला रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या है, पर्सन को किल भी कर देती है। ठीक है, इसलिए हमें क्या है, बंद कमरे के अंदर कोल नहीं बर्न करना चाहिए। और तीसरा क्या है कि कंबशन मोस्टली फ्यूल क्या है, आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की हमें तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पौधों को ज़रूरत होती है, और पौधे कम होंगे तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कौन। तो इसलिए अगर आपको पता है कि जो जितने भी फ्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वो कौन सी प्रॉब्लम कोज करेगी, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अगला क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। जैसे आपको पता है कोल जल रहा है या डीजल है, उनसे क्या है, बहुत सारी गैसें रिलीज होती है। तो हमारे जो डीजल से ये जो भी व्हीकल वगैरह चलाते हैं, तो उससे कौन सी गैस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा सफोकेटेड होती है, मतलब दम घोटने वाली गैस होती है, कोरोसिव गैस होती है। जो ये जो पेट्रोल इंजन है, ये कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं, नाइट्रोजन वगैरह। तो सल्फर, आपको पता है, जो जितनी भी व्हीकल से जितनी भी गैसेस रिलीज होती है, वो सारी क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, चली जाती है हमारे। ठीक है, तो जैसे ही वो बारिश आती है, तो बारिश आने से क्या हो जाती है, वो सारी गैसेस क्या है, मिक्स हो जाती है, रेन वाटर के साथ मिक्सअप हो जाती है। तो एक प्रकार से एसिड ही होते हैं ये, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारे एसिड ही होते हैं। तो क्या है, जब भी बारिश आती है, एक बार एटमॉस्फेयर में फैल के व्हीकल से जितनी गैस रिलीज एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जैसे ही बारिश हो जाती है, वो एसिड के साथ क्या हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है, उसको हम एसिड रेन कहते हैं। आपको पता है एसिड रेन क्या है, फसल के लिए और बिल्डिंग सोइल के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। तो इसलिए हमें डीजल और पेट्रोलियम फ्यूल की जगह हमें सीएनजी यूज करनी चाहिए, क्योंकि सीएनजी हार्मफुल प्रोडक्ट भी कम छोड़ती है, क्लीन फ्यूल भी माना गया है इसको। तो इसलिए हमें सीएनजी को ज्यादा से ज्यादा हमें यूज करना चाहिए। थैंक्स।